राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इसको लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सीएम धामी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर में निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए कई रोड शो कर चुके हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अंत में राजनीतिक समिट साबित होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2018 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अकाउंट ही बता दीजिए। हरिद्वार में 300 से ज्यादा यूनिट बंदे हो चुकी है। 2014 में काम करने वाले कर्मियों की संख्या आधी हो चुकी है। एक बात है, पुराना अकाउंट बता दूं जो पिछले हुए थे 2018 का उसका है, और अकेले हरिद्वार के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। VHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे स्थाई अस्थाई जो है, आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात कर। और हमने कुछ ज़मीनें बचा करके रखी थी। हम भाई उत्तराखंड जो जो ग्रो करेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को भी तो कि उद्यमिता के लिए भी तो आपको धरती रखनी पड़ेगी। जब धरती नहीं रहेगी तो उत्तराखंड का व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? यहाँ का मध्यम वर्ग, यहाँ का जो आगे बढ़ता हुआ वर्ग है, वो कहाँ खड़ा रहेगा? आप कौन सा नामचीन उद्योग है जो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो आप नए ला करके कौन सा उसमें ऐसा कर देंगे कि जिससे आप, मैं तो कह रहा हूँ केवल जितने लोगों ने इस 6-7 सालों के अंदर जिन उद्योगों का पलायन हुआ।